प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति विकास कार्यों को अमली जामा पहुंचाने की कोशिश पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के जनपदों में जाकर विकास की सौगातें दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर बड़ी सौगात देंगे। प्रदेश का परसेप्शन बदलने के लिए प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहचान अब बदलने लगी है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश अब पूरे देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश सरकार ने निवेश बढ़ाने के प्रयास सार्थक नजर आ रहे हैं, तो प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पहचान बदलने में मददगार साबित होंगी। जब कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की स्थिति संभालने के लिए बेहतर प्रबंधन किया गया, जिसका असर रहा कि सबसे अधिक आबादी वाले प्रदेश में अन्य छोटे राज्यों के मुकाबले संक्रमण की कमी सीमित रही। मुख्यमंत्री ने आज भी कानपुर मेट्रो परियोजना के ट्रायल रन को रवाना किया है। एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी, लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत की गई है। साथ ही संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना बड़े पैमाने पर की गई है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा काम किया है। संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का ही असर रहा कि कई बड़े बाहुबली आज सलाखों के पीछे हैं, तो कई बड़े माफिया पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही किसानों से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा किया गया है। प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के कार्यों का ही नतीजा है कि भविष्य को लेकर अब बेहतर उम्मीदें जगी हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, प्रयागराज के साथ ही कुशीनगर और श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर तक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेता प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भाजपा का पूरा जोर रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विकास के दावों की सौगात लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाकर विकासवाद के रास्ते पर ही चला जाए। दूरदर्शन समाचार ब्यूरो, लखनऊ।